आपका स्वागत है। बड़ी खबर यूपी की राजधानी लखनऊ से मिल रही है। यहां देर रात पुलिस ने समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव के निजी सचिव अंकुश शर्मा को चेकिंग के दौरान पकड़ लिया। पुलिस ने अंकुश की गाड़ी से एक संदिग्ध पैकेट मिलने का दावा किया, जिसके बाद अंकुश को पुलिस गौतमपल्ली थाने लेकर गई और पूछताछ करने लगी। इसकी जानकारी मिलने पर शिवपाल यादव समर्थकों के साथ थाने पहुंच गए और हंगामा शुरू कर दिया और उसे वहां से छुड़ा कर ले गए। शिवपाल यादव की गौतमपल्ली थाने पहुंचने की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी थाने पहुंच गए। सोशल मीडिया पर कई कार्यकर्ता एक दूसरे से थाने पहुंचने की ये कहते हुए भी देखे जा सकते हैं। सोशल मीडिया पर पोस्ट दरअसल जारी किया गया, जिसमें समर्थक एक दूसरे से अपील कर रहे थे कि शिवपाल यादव गौतमपल्ली थाने पहुंचे हैं और उनके समर्थक भी वहां पर पहुंचे। थाने में करीब 15 मिनट तक चले हंगामे के बाद शिवपाल अंकुश को लेकर थाने से चले गए। इस दौरान समर्थकों ने जमकर नारेबाजी भी की। शिवपाल यादव ने लखनऊ पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दरअसल शिवपाल यादव ने कहा है कि पुलिस वालों ने मेरे निजी सचिव की गाड़ी को रुकवा कर उसके पीछे वाली सीट पर असलहा रख दिया। डीसीपी मध्य अपर्णा रजत कौशिक ने बताया कि पुलिस टीम वाहन चेकिंग कर रही थी, अंकुश ने कार नहीं रोकी। संदेह होने पर रेलवे क्रॉसिंग के पास से वो पकड़ा गया, उसे थाने लाया गया। कार के कागजात के संबंध में पूछताछ की गई। पुलिस सिर्फ अपना रूटीन काम कर रही है। गाड़ी रुकाने के बाद असला कोई चीज थी, असला वगैरह था, निकाला और इसके सीट पर रख दिया पीछे वाली पर। और कहिए खोलो, और ये सब बातें हैं ना, तो ये सवेरे खुलासा होगा और बातों का सबका खुलासा होगा जल्दी। तो क्या फंसाने की कोशिश की जा रही है? क्या कारण लग रहा है? और क्या इस तरीके से फंसाने का क्या रीजन है? अच्छा, फंसाएंगे, वसूली करेंगे, और ये तो पूरे प्रदेश में ही हो रहा है।